there KP fam, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really really well. Summer aa chuki hai. Waise to main hamesha kehti hu ki winter season ho chahe rainy season ho, monsoon ho, summer ho, sunscreen lagana bahut important hai. But hamare mein se bahut sare log aise hote hain jo sirf summer mein zyada importance dete hain sunscreen ko. To kyunki ab summer aane wali hai, maine socha ki main aapke sath na apni 5 favorite sunscreen share karun, wo bhi sirf under rupees 500 jo har skin type ko mostly suit kar jati hai, jo main aapko डिटेल में बताती जाऊंगी. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. तो यहाँ पे जो मेरे पास पहली सनस्क्रीन है जो मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी और रिसेंटली मैंने इसको ट्राई भी किया है, इज दिस वन. दिस इज दी डॉक्टर शीट्स सनस्क्रीन फॉर इंडियन स्किन. ये सेरामाइड और विटामिन सी वाली सनस्क्रीन है. इसमें एक हल्दी और चंदन वाली भी आई थिंक आती है, या हल्दी और हाइलुरोनिक, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है SPF 50 PA +++ फॉर्मुलेशन एंड यहाँ पे 50 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिल जाती है एंड इट इज सेट के सारी स्किन टाइप्स को अच्छे से सूट करती है. सो ये वाली जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ना, ये आपको UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो बेसिकली ये ब्लू लाइट से भी आपको प्रोटेक्ट करने वाली है. बिकॉज इट सेज के डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड है, सो वी कैन एक्चुअली यू नो यूज इट ऑन अ डेली बेसिस. इट मस्ट बी क्वाइट सेफ टू यूज इट. इसके अंदर ना कुछ इंग्रीडियंट्स मेंशन है. फर्स्ट ऑफ इट सेज कि इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है. यू गाइस नो हाइलुरोनिक एसिड इज लिटरली माय फेवरेट इंग्रेडिएंट व्हेन इट कम्स टू एक्ने एंड एक्ने मार्क्स. हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छे से वर्क करता है आपके एक्ने को कम करने में, एक्ने मार्क्स और जो स्पॉट्स होते हैं उनको फेड करवाने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है. देन इट हैज 2% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स एंड 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स इन इट. विटामिन सी एक्चुअली आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड जो स्किन इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत हद तक हेल्प करता है. कैसे वाले जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ना, सबसे पहले मैं आपको इसका यू नो फॉर्मुलेशन दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके का आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है. दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक. व्हाइट कलर की कंसिस्टेंसी है एंड कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे सनस्क्रीन मिल जाती है. इट इज वेरी वेरी लाइट वेट और जैसे ही आप इसको ब्लेंड करते हो ना, यू स्टार्ट फीलिंग कि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. इसके अंदर ना एक्चुअली आपको कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है. दिस इज अ फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन, तो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो. जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको यूज कर सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको एक्चुअली फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है. जो आप इसको अप्लाई करते हो ना, ये आपको कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं देती है एंड इट इज सुपर सुपर लाइट वेट ऑन स्किन, सो आई विल हाईली रिकमेंड इट. नेक्स्ट सनस्क्रीन इज लिटरली माई ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन विच इज दिस वन. दिस इज दी डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. इसके अंदर आपको मिल जाता है SPF 50 एंड PA +++ फॉर्मुलेशन. अगेन ये भी आपको UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देती है. हर स्किन टाइप को ये बहुत ही अच्छे से सूट करने वाली है, इवन सेंसिटिव स्किन, बिकॉज अगेन इट हैज नो फ्रेग्रेंस इन इट. तो जो लोगों को फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा नहीं लगता, मोस्टली सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को ना फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज करके स्किन पे इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये बिल्कुल भी वो चीज नहीं करता. ठीक है, इट हैज हाइलुरोनिक एसिड इन इट जो आपके एक्ने और एक्ने स्पॉट्स को फेड करने में हेल्प करेगा एंड इट ऑल्सो हैज विटामिन ई इन इट. विटामिन ई बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है आपका पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए एंड आपके फेस को अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए. वैसे नहीं, बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होती है आपकी स्किन के ऊपर एंड कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं देती है. आई लव सच सनस्क्रीन जो व्हाइट कास्ट नहीं देती है. मैं आपके साथ जितनी भी अभी सनस्क्रीन शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आपको ऐसा फील होता भी है कि 1-2% आपको कुछ व्हाइट कास्ट दे भी रही है, तो वो ना 30 सेकंड के अंदर ही गायब हो जाती है. ये वाली जो सनस्क्रीन है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको यू नो व्हाइट कास्ट इतनी हैवी वाली नहीं देती है. सो लेट्स जस्ट सी इट्स कंसिस्टेंसी एंड इट्स फॉर्मूला. ये ना वैसे अब ट्यूब फॉर्म में भी अवेलेबल होने लगी जिसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, तो दैट्स अमेजिंग थिंग. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सनस्क्रीन इज. लेट्स जस्ट ब्लेंड इट आउट एंड यू कैन सी विद इन सेकंड्स इट्स सो लाइक डिजॉल्व्ड इन माई स्किन जस्ट लाइक वॉटर. आई लव दिस फैक्ट कि सनस्क्रीन बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है. दैट इज माई सेकंड रीजन आई टोटली लव दिस सनस्क्रीन. नाउ नेक्स्ट सनस्क्रीन इज फॉर दोज जिनको एक ड्यूई फिनिश वाली सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है, देन यू कैन ट्राई आउट दिस वन. दिस इज द एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. अगेन इट हैज SPF 50 एंड PA +++ फॉर्मुलेशन इन इट. UVA और UVB दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन करने वाला है. दिस इज अगेन सुटेबल फॉर ऑल द स्किन
डिफरेंट टाइप्स, लेकिन ये जो फिनिश देते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा ड्यूई देती है। तो आई विल से कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली या ऑयली स्किन टाइप है ना, तो मे बी आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज देन आपको लगेगा कि आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्रीसी लगने लग गया। बिकॉज ऑयली स्किन वाले लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा ड्यूई फिनिश वाला प्रोडक्ट यूज कर लेते हो ना, तो फेस थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। तो आई विल से अगर आपका नॉर्मल स्किन टाइप है, ड्राई है या फिर एक्सट्रीमली ड्राई है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। इट्स अगेन सुपर सुपर लाइट वेट ऑन स्किन और इसके अंदर भी कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। लेट्स जस्ट सी ये किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। सभी सनस्क्रीन का कलर ना एकदम व्हाइट है एंड यू गाइस कैन टेक अ लुक। ये वाली जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ना, अगेन इट ब्लेंड्स वेरी नाइसली इनटू योर स्किन। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गई एंड अगेन ये भी कोई व्हाइट कास्ट नहीं देती है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मैं आपके साथ जितनी भी सनस्क्रीन शेयर करूँ ना, कोई भी वो आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगी। अगेन पीपल विद सेंसिटिव स्किन कैन यूज दिस, इट्स कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री। नेक्स्ट सनस्क्रीन आई हैव हियर इज दिस वन। दिस इज द आयुगा 2% चंदनम सनस्क्रीन। इट हैज एसपीएफ 50 एंड पीए प्लस 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 फॉर्मुलेशन इन इट। इट सेज कि स्किन ब्राइटनिंग में आपको हेल्प करता है। इट हैज सैंडलवुड, टर्मरिक एंड प्लस 26 प्रेशियस हर्ब्स इन इट। ठीक है, बहुत अमेजिंग इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर है गाइस। चंदन, यू गाइस नो कि चंदन कितना अमेजिंग इन्ग्रीडियंट होता है स्किन को ब्राइटन अप करवाने में। ब्राइटन अप का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन गोरी हो जाती है। ब्राइटन अप का मतलब ये होता है कि जो आपका नेचुरल स्किन कलर है ना, वो उसको एनहांस करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन में जो आपको डलनेस फील होती है, जो यू ना थोड़ी स्किन अजीब सी लगने लग जाती है, उसको ब्राइट करता है और भी ज्यादा एनहांस करने में हेल्प करता है। अगेन ये आपको यूवीए यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन करता है एंड इट इज सुपर सुपर लाइट वेट ऑन द स्किन। लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स। अगेन यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की इस तरीके से कंसिस्टेंसी मिल जाती है। लेट्स जस्ट ब्लेंड इट आउट। आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंगली ये वाली भी ब्लेंड हो जाती है। कंपैरेटिवली ना बाकी सनस्क्रीन के कंपैरिजन में ये ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, जैसे मैंने आपको बाकी की सनस्क्रीन दिखाई थी, लेकिन इट डज नॉट गिव एनी व्हाइट कास्ट। सो ये वाली सनस्क्रीन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है बाकी सनस्क्रीन से ब्लेंड होने में, बट एक बार ये अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है ना, आपकी बहुत ही ज्यादा आपको लाइट वेट फील होती है, ग्रीसीनेस बिल्कुल भी नहीं फील होती है। एंड अगेन दिस इज सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। यू गाइस कैन टेक अ लुक। मैंने इस हाथ पे कितनी, लाइक अभी तक मैं 4 सनस्क्रीन अप्लाई कर चुकी हूँ, बट स्टिल आप दोनों हाथों ना डिफरेंस देख सकते हो। मेरा ये वाला हाथ कोई गोरा नहीं लगने लग गया बिकॉज ऑफ अ व्हाइट कास्ट, एंड बिल्कुल ना एग्जैक्ट सेम लग रहा है। बट द ओनली थिंग इज कि ये वाला हाथ बहुत ही ज्यादा ग्लोई लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। एंड फाइनली द फिफ्थ सनस्क्रीन आई हैव हियर इज दिस वन। दिस इज द मम अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। बिकॉज इट हैज विटामिन सी एंड टर्मरिक, वी कैन से कि ये ना आपके स्किन के ऊपर से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, एक्ने स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट है ना, ये मेड से सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप। इवन दो इट सेज कि सारे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, आई विल रिकमेंड अगर आपका नॉर्मल ड्राई और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप है तो आप इसको प्रेफर करना, बिकॉज ऑयली स्किन वालों को ना ये थोड़ा सा ग्रीसी लग सकता है बिकॉज इट हैज लाइक अ ड्यूई फिनिश। बिकॉज इट हैज विटामिन सी इन इट, विटामिन सी से आप यू नो अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये इस तरीके से ट्यूब फॉर्म में आता है एंड लेट्स जस्ट सी कि ये कितना ज्यादा, इसके अंदर भी अगेन ना कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एंड दिस इज हाउ इट ब्लेंड्स। आप देख सकते हो ब्लेंड बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाती है, इसको ब्लेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है एंड अगेन ये कोई व्हाइट कास्ट नहीं देती है। नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई वाज सेइंग कि एक्सट्रीमली ऑयली और ऑयली स्किन वाले इसको यूज ना करें, बिकॉज इसकी एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा ड्यूई फिनिश है, ये आपकी स्किन को बहुत ड्यूई दिखाता है। तो अगर आपका ऑयली स्किन होगा ना, तो आपकी स्किन इस तरीके से लगेगी कि आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो गई है या और भी ज्यादा ग्रीसी हो गई है। बट इवन दो ये इतनी ड्यूई फिनिश देती है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्टिकीनेस या हैवीनेस बिल्कुल भी फील नहीं करवाती है एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। एंड या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जितने भी सनस्क्रीन है ना, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप ये अंडर 500 वाला सनस्क्रीन रेंज जो था ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड या दैट इज इट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।